वो व्यू का नज़ारा लेते लेते यहाँ पे अभी तैयार हो रही है मोस्ट डिलीशियस मैगी 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 मैगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड सैटरडे का दिन है और हम एक नई नवेली राइड शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस बार डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा आप लोगों को हमारा राइड और राइड का जो एक्टिविटीज़ है उसमें आने वाला है। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी कि किस तरीके से आपको पूरा राइड का मज़ा मिलेगा। सो तैयार होते होते अभी 4:30 हो गई है और अभी हमारा सबसे पहला जो राइड है वो अराउंड 4 घंटे का है, जो हम करने वाले हैं फ्रॉम पुणे टू मुंबई। और मुंबई में कौन सी जगह पे जाने वाले और कहाँ पे जाएंगे वो तो आगे के टाइम पे हम बताएंगे, लेकिन नई कार पे अभी नया एडवेंचर ज़बरदस्त वाला शुरू होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम यहाँ पे आए हैं वो है शेल पेट्रोल कैफे, छोटा सा कैफे है, लेकिन अभी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेने की। सबसे पहले क्योंकि क्या है कि ये जो शुगर फ्री होता है ये मिलता नहीं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यू नो डेस्टिनेशन से ज़्यादा जो मज़ा होता है वो आता है सफ़र के अंदर, और सफ़र को जितना मतलब जितना सफ़र इजी रहता है उतना ही हमें और ज़्यादा मज़ा आता है और हम लंबा ड्राइव कर सकते हैं, लंबा सफ़र कर सकते हैं। और वो लंबे सफ़र को तय करने के लिए हम आ गए हैं वसाई एरिया के अंदर। ये वसाई से अराउंड टू अराउंड 10 किलोमीटर कुछ आगे है, और जिसका बुलावा था वो था महाराष्ट्र टूरिज़्म का, और ये महाराष्ट्र टूरिज़्म का एक नया नजराना है जो पूरे मतलब क्या है कि अनलॉक के अंदर गाइडलाइंस के साथ अभी उसको खोला गया है। इसका जो मतलब आपको मैं अगर बताऊँ तो इसकी बहुत सारी खासियत है।
सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये जो है वो पूरा ऊपर हो जाता है, ऊपर होके पूरा टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जो हम अभी एक MTDC के जो रिसोर्ट है उसके अंदर हम जाएंगे और उसके अंदर जाके फिर इसको हम खोलेंगे, खोल के आपको बताएंगे कि किस तरीके का है। और ये जो महाराष्ट्र टूरिज्म का मोटो होम के साथ मिलकर टाइप करके ये पूरा एक बनाया गया है कि जिसके अंदर 4 लोग आराम से सोते सोते जर्नी का जो मज़ा है वो ले सकते हैं। आपको कोई होटल का बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा पावर आउटलेट दिया हुआ है। जो पावर आउटलेट MTDC का जो रिसोर्ट है वहाँ से लग जाता है, वो भी आपको पूरा इसके साथ फ्री में मिलता है। यहाँ पे आप साइकिल अगर चाहो तो लगा सकते हो। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, इट्स फ्रॉम डाउन देयर 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 या ओके। सो यहाँ पे अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊँ तो पूरा पानी का आउटलेट मिलता है। मतलब पानी का आउटलेट से क्या है कि आप नहाने धोने का सब कुछ फैसिलिटीज़ को कर सकते हो। वैसे पूरा टॉयलेट और वॉशरूम फैसिलिटी MTDC पे रहता ही है, वो मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाएंगे कि भाई मतलब कैसा रहता है कैसा नहीं। बट आप देखो तो ये पूरा टेबल है जो आप 4 स्क्वायर टेबल करके रख सकते हो। फैन आपको दिए हुए है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको अगर थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है रेफ्रिजरेटर। सो मैं आपको बताता हूँ खोल के। सो ये पूरा रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो, पानी और कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर एकदम ठंडा रख सकते हो। इसको बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है ये, जिसके अंदर मैं अगर आपको बताऊँ तो पूरा का पूरा ये ऐसे खुलेगा और इसके अंदर आपको मिल जाता है स्टोव। और स्टोव के साथ ये मतलब गैस को करने के लिए और उसके साथ सैंडविच मेकर, बहुत सारे यूटेंसिल्स जो है वो मिल सकता है। और ये और आगे खुलेगा, मतलब इसको और अपने खोल सकते हैं। और इसका जो यूज़ है वो है कि आप खाना और सब कुछ मतलब साथ में ही बना सकते हैं। सो ये वाला चीज़। और ये जो सीट है वो पूरी की पूरी रिक्लाइन हो जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें आराम से 2 लोग यहाँ पे सो सकते हैं और 2 लोग जो ऊपर टेंट है वहाँ पे सो सकते हैं। तो क्या कि मतलब आपका जो सफ़र है उसमें आपको फिर कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइस गर्मी बहुत ही है, अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। एंड हम यहाँ पे रुके हैं, आपको जस्ट एक टूर करवाना था तो उसकी वजह से। बट अभी आपको मैं अगर सेकंड रो की सीट बताऊँ तो भी वो भी बहुत कंफर्टेबल है, पूरा रिक्लाइन हो सकती है, आगे पीछे आप कर सकते हो। और बीच में भी आपको स्टोरेज सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें हैं उसको रख सकते हो। तो मतलब कम्फर्टेबली अगर मैं बताऊँ तो 4 लोग आराम से इसके अंदर जर्नी कर सकते हैं और 4 लोगों के लिए अराउंड 4,000 रुपये का खर्चा लगेगा इसके लिए, जो मेरे हिसाब से एकदम वर्थ इट है। और आप आराम से जर्नी के साथ पूरा मज़ा ले सकते हो। और आपको ये सेल्फ ड्राइव करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे इसके साथ कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ ड्राइव करना रहेगा। और अभी इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं कसारा घाट पे और ये जो घाट का व्यू है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। आपको 360 प्लस ड्रोन व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मतलब इतना मज़ा आ रहा है कि ना पूछो बात। आपको व्यू दिखाते हैं जल्दी से। So let's move on. It's alright, so let's move on.
traces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out, I've heard it all before. Yeah, tell me what you want, let me hear that I'm the only one. कैंपर वैन और मोटर होम को चलाते चलाते हम अभी आ गए हैं बंडाद्रा के अराउंड 20 किलोमीटर नज़दीक आ गए हैं। बहुत टायरिंग जर्नी था, लेकिन अभी जो बारिश की वजह से जो रिफ़्रेश मिला है दैट इज़ लाइक मोस्ट अमेजिंग। एक कांड हो गया है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन आप पूरा व्यू देखो, मतलब लाइक आई डोंट नो कैमरे में वो विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट बहुत प्यारा लग रहा है, लाइक लुकिंग सो गुड। मैं थोड़ा ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करूँगा अगर आपको मतलब पूरा देखने मिले तो, लेकिन ये जस्ट थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लिया था एंड अभी भी और 20 किलोमीटर्स जाना है, सो लेट्स जस्ट गो देयर एंड फिर देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का अरेंजमेंट हम कर पाते हैं।